हाय गाइस, वेलकम बैक इन गेट फास्ट कुक। आज हम आपके लिए लेके आए किसी शानदार रेसिपी जो कि बॉम्बे की है और ये खाने में बहुत ही तीखी है, क्योंकि हम राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान वालों को भी तीखा पसंद होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ चटपटा, कुछ क्रीमी, कुछ तीखा बनाया जाए जो कि खाने में बहुत मजेदार हो और डेली जो सामान हम यूज में लेते हैं उससे बनने वाला हो, ताकि आप भी इसको इंजॉय कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटी चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी बटर। ऑयल इसलिए डाला ताकि हमारा बटर लगे नहीं। ये जो डिश है इसमें बटर और चीज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप चाहे जितना डालें। मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 5 से 6 लिए कलियाँ, आप चाहे तो ज्यादा ले सकते हैं। इससे जितना ज्यादा लहसुन होगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देंगे ताकि जो हमारा लहसुन है थोड़ा सा बर्न हो जाए, क्योंकि इसमें जब लहसुन थोड़ा बर्न होता है तो उसका जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है लहसुन का। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने एक प्याज लिया है यहाँ पे। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची। ये मैंने एक छोटी हरी मिर्ची ली है, बच्चे खा रहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक। गाइस, में आप इस स्टेज पे करी पत्ता डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जीरा भी डाला है थोड़ा सा, मुझे जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर चीज हर डिश में डालती हूँ। आप चाहे तो डालें, चाहे तो आप स्किप करें। बॉम्बे में ये वाली डिश हर गली में मिलती है, हर सब लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत तीखी होती है और इसको खाते ही मजा आ जाता है। जब हम अपने डेली रूटीन के खाने से बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ चटपटा चाहिए होता है, और ये उन्हीं में से एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत तीखी, बहुत चटपटी है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून मिर्ची, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला लिया है। पाव भाजी मसाला एक ऐसा मसाला है जो किसी भी खाने में जान ला देता है, और यहीं पे मैंने थोड़ा सा लिया है ओरिगेनो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सिर्फ 2 मिनट इसको स्टर करना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे पुलाव। गाइस, ये देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले बने हैं। ये राइस मैंने 1 कप चावल लिए थे जिनको मैंने 4 कप पानी में बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। उसमें 2 तेज पत्ता, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था, और जब ये 5 मिनट बाद जब कुक हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें सिरका डाला था, 1 ढक्कन, मतलब 1 टीस्पून सिरका डाला था। तब हमारे चावल देखिए आप कितने खिले खिले बनाए हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए हैं और एक एक दाना खिला हुआ है। आप भी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके भी पुलाव खिले खिले रहेंगे। अब मैं ये पुलाव इसमें मसाले में डालने वाली हूँ। ये पुलाव जब हम इसमें डालेंगे तो हमें एक हाथ से नहीं स्टर करना है, हमें दोनों हाथों से स्पून लेके इसको स्टर करना है, ताकि हमारा जो दाना है बिल्कुल खिला खिला रहे। फ्लेम को लो कर दीजिएगा, नहीं तो आपका जो मसाला है वो लग जाएगा। आप इस तरह से फ्लिप करते हुए अच्छे से हिलाएंगे ताकि तो मसाला इसमें सारा मिक्स हो जाएगा और चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला रहेगा। इसको सिर्फ हमें 5 मिनट तक पकाना है, ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से पुलाव में आ जाए। ये देखिएगा कितना प्यारा लग रहा है हमारे राइस। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीज, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट था, चीज तवा पुलाव बॉम्बे स्टाइल। आप इसमें जितना चीज डालेंगे, ये मैंने चीज स्प्रेड लिया है, अगर आपका चीज क्यूब है तो आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया, और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बच्चे भी खुश, फैमिली भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि बच्चों की खुशी और परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में हमें ये बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।